लड़का जो सांप था। सुदूर एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बड़े दुखी थे। आखिर एक दिन औरत को बच्चा हुआ, परंतु विचित्र बात यह थी कि वह बच्चा सांप निकला। उनके मित्र और भाई बंधुओं को धक्का लगा और उन्होंने सलाह दी कि सांप से छुटकारा लिया जाए, मगर दंपति नहीं माने। बेटा सांप होने पर भी वे उसे बहुत प्यार करते थे। अनेक वर्ष बीते और बेटा सांप बड़ा हुआ। माता लड़के की शादी कराने की बात सोचने लगी। एक दिन ब्राह्मण जब घर आया तो उसने पत्नी को आंसू बहते हुए देखा। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? पत्नी ने विनती की। ओह, हमारा बेटा विवाह योग्य हो गया है, फिर भी कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। उसके लिए कृपया एक वधु ढूंढिए। ब्राह्मण बेटे के लिए वधु ढूंढने चल पड़ा, परंतु जैसे ही लड़की को पता चलता कि लड़का एक सांप है, वह डर कर भाग जाती। आखिर ब्राह्मण अपने पुराने मित्र से मिलने गया। उसके मित्र ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, इस शहर में आने का काम क्या है? बेचारा ब्राह्मण उदास होकर रो पड़ा। मैं क्या कहूँ, मैंने अपने बेटे के लिए कन्या ढूंढते हुए दूर दूर तक यात्रा की है, मगर असफल हुआ हूँ। जैसे ही उसके मित्र ने यह सुना तो वह उछल पड़ा और चिल्लाकर बोला, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे के साथ करने तैयार हूँ। ब्राह्मण ने उसे सफाई देने का प्रयास किया, परंतु सब बेकार रहा। आखिर वह बेटे के लिए कन्या लेकर गांव चल पड़ा। विवाह का दिन जैसे करीब आया, अनेक पड़ोसी दुल्हन को सावधान करने इकट्ठे हुए कि वह एक सांप को ब्याहने जा रही है, मगर वह सुनती नहीं थी। शादी संपन्न हो गई। लड़की अपने पति सांप के प्रति वफादार थी और अच्छी पत्नी के रूप में उसकी सेवा करती थी। रोज रात को वह उसे एक गरम छोटे डिब्बे में रख देती। एक रात लड़की ने एक सुंदर नौजवान को कमरे में आते देखा। वह भयभीत हुई और भागने लगी, परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने कहा,
डरो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने उस पर विश्वास नहीं किया। यह देखकर नौजवान सांप में बदला, फिर वापस नौजवान बना। यह रोज रात को होता रहा। नौजवान रात को अपना सांप का चोला छोड़कर सवेरे तक पत्नी के साथ रहता। एक दिन ब्राह्मण ने खिड़की से यह देख लिया। वह तुरंत कमरे में भागता हुआ गया, सांप का चोला लिया और उसे आग में फेंक दिया। उसका बेटा आखिर भयंकर शाप से मुक्त हो गया। जीवन भर सताने वाले भयानक शाप से उसे बचाने के लिए उसने पिता को धन्यवाद दिया।